पुलिस की लिखित भर्ती परीक्षा के दौरान उपमंडल दून के गुल्लरवाला पंचायत के दो सिख युवक गात्रा पहनकर परीक्षा देने गए थे, मगर उन दोनों युवकों को अधिकारियों द्वारा परीक्षा हॉल के अंदर नहीं जाने दिया गया। मजबूरन दोनों युवकों को परीक्षा दिए बगैर ही वापस लौटना पड़ा। 8 सितंबर को पुलिस की लिखित भर्ती परीक्षा के दौरान उपमंडल दून के गुल्लरवाला पंचायत में दो सिख युवक गात्रा पहनकर परीक्षा देने गए थे, मगर उन दोनों युवकों को अधिकारियों द्वारा परीक्षा हॉल के अंदर नहीं जाने दिया गया। दोनों युवक अधिकारियों और स्टाफ के समक्ष अपने भविष्य को लेकर गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन अधिकारियों और स्टाफ ने युवक को गात्रा उतारने की स्थिति में ही परीक्षा हॉल के अंदर जाने को कहा। युवकों ने यहां तक कहा कि वे दोनों अमृतधारी सिख हैं और उन्होंने गुरु का गात्रा ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी स्थिति में अपने शरीर से गात्रा अलग नहीं होने दे सकते, लेकिन मौजूदा अधिकारी और स्टाफ ने युवकों की एक न सुनी और मजबूरन दोनों युवकों को परीक्षा दिए बगैर ही वहां से जाना पड़ा। युवकों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और सिख धर्म की आस्था व उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वाले अधिकारी और स्टाफ पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। सर, मैं भर्ती के लिए गया था सोलन LR कॉलेज में, तो वहाँ पे हमारी चेकिंग हुई तो हमें अंदर नहीं जाने दिया, तो रिटर्न के लिए तो हमने गात्रा डाला था, तो उन्होंने बोला इसको निकाल के जाओ, हम अंदर नहीं जाने देंगे। तो सर हमने बोला ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है, ना ऐसा रूल कभी हुआ ना हमने कभी सुना। तो सर उन्होंने बोला हमसे बात नहीं करनी, जाके सर खड़े हैं IPS, तो उनसे बात करो। तो सर हम IPS के पास गए, तो सर उनका मतलब एक तो उन्होंने बात अच्छे ढंग से नहीं की, हमसे बदतमीजी से बात की, इतने 3 स्टार लगे थे। तो सर उन्होंने बोला कि हम जा नहीं दे सकते, यहाँ पर गात्रा रख के जाओ तो जाने देंगे। मैंने कहा सर ऐसा तो रूल नहीं है, आर्मी में भी चलता है, कई बंदे बद्दी में भी हैं जिन्होंने पहना है। तो सर वो बोले भी नहीं, हमें सोलन में बताओ, हम सोलन में हुआ तो मान लेंगे। मैं कहा सर सोलन में तो मेरे को पता नहीं, तो बोले हम नहीं जाने देंगे। मैं कहा सर आर्मी की भर्ती के हमें पता है, हमारे कई फ्रेंड्स भी हुए हैं, तो बोला फिर आर्मी में जाओ, यहाँ पर मत आना। मैं कहा सर ठीक है। तो सर हम 10-15 मिनट उनकी मिनतें करते रहे, तो कोई भी नहीं माना, तो वो चले गए। सर हम 3 लोग थे सर, एक दो तो हम गुल्लरवाला गांव के थे, एक नालागढ़ गांव का था। सर हमें इंसाफ चाहिए। वहाँ पे जी उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया इसको, जब इसने बोला तो बोले भी इसको गात्रे को उतार के नीचे फेंक दे तभी अंदर जाएंगे जी। इसने मना करती भी, मैंने नहीं इसको उतारेंगे नहीं, हम कौन सा धर्म है जो इसको ऐसे करेगा जी। हम इंसाफ चाहते हैं जी, इंसाफ चाहिए हमारे को। वहीं इस पूरे मामले की निंदा करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर हलका शिमला के मेंबर एवं हिमाचल प्रदेश शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष दलजीत सिंह भिंडर ने कहा कि पुलिस भर्ती में युवकों को गात्रा पहनकर अंदर जाने से रोकना सिखों के मौलिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पुलिस के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि जिन अधिकारियों ने सिख धर्म का अपमान किया है उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तो मैं जो ये घटना घटी है उसकी पुरजोर शब्दों में निंदा करता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान व आदर किया जाता है। जिस किसी भी ऑफिसर ने इन लड़कों के साथ अपनी कृपाण उतार के अंदर आने के लिए कहा है, उसके खिलाफ मुख्यमंत्री साहब को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि हमें सिख धर्म को लोगों को अन्यायियों को धारा 25 के तहत कहीं पर भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे विधानसभा है, चाहे संसद है, चाहे कोई डोमेस्टिक फ्लाइट है, चाहे कोई इंटरनेशनल फ्लाइट है, हमें सभी जगह पर अपने साथ कृपाण धारण करके जाने का, जो धारा 25 के तहत हमें हमारा ये मौलिक अधिकार है, हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ है। और किसी भी अफसर ने अगर कोई ऐसी बात की है तो उसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी को कड़ा जो है वो संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आते समय में भी सभी लोगों को इसके बारे में पता हो कि ऐसी घटना किसी के साथ ना घटित आगे से हो। और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पेपर को कैंसिल करके दोबारा ये पेपर लिया जाए, और इन जो 3 युवकों को पेपर से बाहर किया गया है उन्हें दोबारा पेपर में अपीयर होकर अपनी जो है प्रतियोगिता में शामिल होने का उन्हें समय दिया जाए। सिटी चैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट।